19 जनवरी को जब सिंगापुर के एक चर्च में लोग सर्विस के लिए जमा हुए थे तो उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनकी इस प्रार्थना सभा का असर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार पर पड़ने जा रहा है। वो रविवार का दिन था और इस चर्च की किसी आम प्रार्थना सभा की तरह एक सर्विस मैंड्रिन या चीनी भाषा में भी हो रही थी। द लाइफ चर्च एंड मिशंस की ये प्रार्थना सभा एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हो रही थी। इसमें पति पत्नी का एक जोड़ा भी शामिल था जो उसी सुबह चीन से सिंगापुर आया था। दोनों की ही उम्र 56 बरस के आसपास थी। जब वो चर्च की बैठक में शामिल होने के लिए आए तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। ऐसे में ये शक करने की कोई वजह नहीं बनती थी कि वो अपने साथ कोरोना वायरस लेकर घूम रहे हैं। इस साल जनवरी के महीने तक यही माना जा रहा था कि कोविड 19 का सबसे बड़ा लक्षण लगातार खांसी का आना है और इसी के जरिए सबसे अधिक संक्रमण भी फैलता है। अब अगर किसी में इस बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं है तो ये कैसे मान लिया जाए कि उस इंसान से ये बीमारी फैल रही है। चीन से आए ये दंपत्ति प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के तुरंत बाद वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात बिगड़ने लगे और वो भी बेहद रहस्यमयी अंदाज में। पहले तो प्रार्थना सभा में शामिल होने के 3 दिन बाद यानी 22 जनवरी को पत्नी बीमार पड़ी। इसके 2 दिन बाद पति भी बीमार हो गया। क्योंकि पति पत्नी दोनों ही चीन के वुहान शहर से आए थे जो उस समय इस महामारी का केंद्र था, तो किसी को उनके बीमार होने पर हैरानी नहीं हुई। लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद जब 3 अन्य स्थानीय लोग भी रहस्यमयी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण से बीमार हो गए तो डॉक्टर हैरान रह गए। ये सिंगापुर में कोरोना वायरस के प्रकोप का पहला सबसे अजीब मामला था। जब इस बात का पता लगा लिया गया कि इन लोगों तक वायरस कैसे पहुंचा तो इससे बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। तब जाकर पता चला कि नया कोरोना वायरस कितनी आसानी से अपने लिए नए शिकार तलाश लेता है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय में संक्रामक रोगों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर वर्नोन ली कहते हैं कि हम इन लोगों के बीमार होने से बहुत परेशान थे। जो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे उन्होंने एक दूसरे को इस वायरस से संक्रमित कर दिया था। हैरान करने वाली बात ये थी कि इनमें बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं थे। उस वक्त दुनिया को कोविड 19 के बारे में जितना पता था उससे नए मरीजों के बीमार होने की कोई वजह ऊपरी तौर पर तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो डॉक्टर वर्नोन ली और उनके साथी वैज्ञानिकों ने पुलिस अधिकारियों और बीमारी का पता लगाने वाले अन्य विशेषज्ञों के साथ इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू की। इन लोगों ने मिलकर इस बात का एक व्यापक खाका तैयार किया कि वायरस से संक्रमित लोग कब कब कहां कहां गए। इनमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आज ब्रिटेन में भी वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए इसी का सहारा लिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इस महामारी के दौरान हर संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने के लिहाज से बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से संक्रमित लोगों को बाकी लोगों से अलग किया जाता है ताकि वो अन्य लोगों को संक्रमित न कर सकें। सिंगापुर को किसी काम को बेहद कुशलता और तेजी से करने के लिए जाना जाता है और उन्होंने इस मामले में भी ये कर दिखाया। हैरानी की बात है कि अगले कुछ ही दिनों में इस मामले की तफ्तीश करने वालों ने कम से कम 191 लोगों से बात मुलाकात कर ली थी जो इस चर्च से ताल्लुक रखते थे। इस पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इन 191 में से 142 लोग उस रविवार को चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इससे सिंगापुर के उन 2 नागरिकों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का राज भी खुल गया, क्योंकि वो दोनों भी रविवार को चर्च की उस प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे जिसमें वुहान से आए उस चीनी जोड़े ने शिरकत की थी। डॉक्टर वर्नोन ली कहते हैं कि हो सकता है कि सिंगापुर के इन 2 संक्रमित लोगों ने भी उस चीनी जोड़े से बात की हो, चर्च की सर्विस के दौरान एक दूसरे का अभिवादन किया हो। ये कोरोना वायरस के रहस्य का पर्दाफाश करने की दिशा में बहुत उपयोगी शुरुआत थी और अब सिद्धांत रूप से ये पता चल चुका था कि कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे अन्य लोगों तक पहुंच रहा था। हालांकि सिंगापुर के डॉक्टरों की इस तफ्तीश से एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला था
और वो सवाल ये था कि जब इस चीनी दंपति में वायरस के संक्रमण के कोई लक्षण थे ही नहीं, तो उस दौरान उन्होंने दूसरे लोगों को कैसे इस वायरस से संक्रमित कर दिया। और इससे भी बड़ी पहेली तो ये थी कि चर्च में गए सिंगापुर की जिस एक और नागरिक को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था, वो तो उस प्रार्थना सभा में शामिल भी नहीं हुई थी जिसमें ये चीनी जोड़ा गया था। सिंगापुर की ये नागरिक 52 बरस की एक महिला थी जो उस प्रार्थना सभा के कई घंटों बाद उसी चर्च की एक अन्य सर्विस में उसी दिन शामिल हुई थी। ऐसे में सवाल ये था कि इस महिला तक कोरोना वायरस कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सिंगापुर में कोरोना वायरस की तफ्तीश कर रहे जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। ये उस रविवार को चर्च में हुई प्रार्थना सभाओं की रिकॉर्डिंग थी। किसी संकेत की तलाश में जुटे जांचकर्ताओं को इस रिकॉर्डिंग से एक ऐसा सबूत मिला जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सिंगापुर की उस महिला ने चीनी दंपति के वहां से जाने के बाद चर्च में बाद वाली सर्विस में हिस्सा लिया था। इस दौरान ये महिला उसी सीट पर बैठी थी जहां पर वुहान से आए चीनी दंपत्ति कुछ घंटों पहले बैठे हुए थे। साफ है कि जो चीनी दंपत्ति वुहान से आए थे, उन्होंने बिना कोविड-19 के किसी लक्षण के ही तमाम लोगों में वायरस फैला दिया था। शायद ये वायरस उनके हाथ में था और उन्होंने चर्च में सीट को छुआ था और वायरस वहां से फैला। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी सांसों के जरिए वायरस जमीन पर फैला। हालांकि ये अटकलें हैं, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरिया जो भी रहा हो, इस चीनी दंपत्ति में वायरस के लक्षण नहीं थे और अनजाने में उन्होंने कई लोगों में संक्रमण फैला दिया था। डॉक्टर वर्नोन ली ने तमाम कड़ियां जोड़कर जो खाका तैयार किया था उससे एक ही बात साफ हुई थी, और वो ये थी कि कई लोग अनजाने में ये वायरस दूसरों में फैला रहे थे। ये एक ऐसा राज था जिसके खुल जाने का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। इसकी वजह ये थी कि कोरोना वायरस से जुड़ी सभी एडवाइजरी में एक बात पर बहुत जोर दिया गया था, वो ये था कि आप खुद में और अपने आसपास के लोगों में इसके लक्षण देखें तो उनसे दूरी बनाकर रखें। लेकिन अगर ये वायरस ऐसे लोगों द्वारा फैलाया जा रहा था जिनमें इसके संक्रमण के लक्षण ही नहीं थे और वो खामोशी से अनजाने में वायरस को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे थे, ऐसे में सवाल ये था कि इस बीमारी को फिर रोका किस तरह से जा सकता है। डॉक्टर वर्नोन ली को जब इस बात का अंदाजा हुआ तो उस वक्त वो अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहे थे। उस लम्हे को याद करते हुए कहते हैं, डॉक्टर ली ने कहा कि जब भी आप कोई वैज्ञानिक खोज करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने सारा जहां पा लिया, खास तौर से जब आपको एहसास होता है कि आपने जिस बात का पता लगाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसे आपने बहुत से लोगों की कड़ी मेहनत और होमवर्क से हासिल किया है। सिंगापुर में डॉक्टर ली और उनकी टीम ने नए कोरोना वायरस से जुड़ी जिस बात का पता लगाया था उसे प्री सिम्टोमैटिक ट्रांसमिशन या लक्षण सामने आने से पहले ही वायरस का प्रकोप फैलना कहा गया, जिसमें वायरस को फैलाने वाले को ये पता ही नहीं था कि वो इससे संक्रमित है, क्योंकि उसे न तो बुखार आ रहा था, न खांसी और न ही वायरस के संक्रमण के अन्य लक्षण उसमें सामने आए थे। अन्य बातों के अलावा सिंगापुर के डॉक्टरों की इस रिसर्च से ये बात भी सामने आई कि किसी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के लक्षण दिखने से 24 से 48 घंटे पहले का समय बेहद महत्वपूर्ण था। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति के दूसरे लोगों को वायरस से संक्रमित करने का खतरा अधिक था, शायद इस दौरान वो सबसे अधिक संक्रमण फैला रहे थे। इस बात से आगाह होना बेहद काम की बात साबित हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आपको ये एहसास होता है कि आप बीमार हैं, तब आप जितने भी लोगों के नजदीकी संपर्क में आए होते हैं उन्हें घर पर ही रहने की चेतावनी दी जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि ये लोग संक्रमण फैलाने के सबसे खतरनाक दौर में अपने घरों में अकेले होंगे जब तक इनमें वायरस के प्रकोप के लक्षण नहीं दिखने लगते, लेकिन बिना कफ की बूंदों के भी ये वायरस एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंच जाता है, इस पहेली का सुलझना अब तक बाकी ही है।
इस सवाल का एक जवाब ये हो सकता है कि महज सांस लेने भर से या फिर किसी व्यक्ति से बात करने भर से भी वायरस संक्रमित कर सकता है। अगर उस समय तक वायरस किसी के श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में ही फैल रहा होता है तो ये भी संभव है कि कुछ वायरस उसके सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकलते हों। ऐसे में अगर कोई अन्य इंसान आपके करीब हो, खासतौर से बंद कमरे में, तो वो बड़ी आसानी से वायरस का शिकार बन सकता है। छूना भी नए कोरोना वायरस के संक्रमण का एक और घातक जरिया हो सकता है। अगर वायरस किसी व्यक्ति के हाथ में है और वो किसी अन्य व्यक्ति या दरवाजे के हैंडल या चर्च की सीट को छूता है तो वायरस वहां पहुंच जाता है। अब वायरस के फैलने का रास्ता जो भी हो, लेकिन एक बात एकदम साफ है, अगर किसी इंसान में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण स्पष्ट नहीं हैं, तो वो उतनी सावधानी नहीं बरतता जितनी उसे करनी चाहिए और इस असावधानी से वायरस और तेजी से फैल रहा है। ये बात तो और भी रहस्य भरी है और वैज्ञानिकों के पास अब तक इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं है। बिना लक्षणों वाले किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने की बात एक तरफ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो फिर भी उसमें कोई लक्षण न दिखें तो ये बात और भी परेशान करने वाली है। इसे ही वैज्ञानिक एसिम्प्टोमेटिक या बिना लक्षण वाले केस कहते हैं, क्योंकि आप बीमारी के वाहक हैं, दूसरे लोगों तक वायरस पहुंचा रहे हैं, मगर इससे खुद आपको कोई तकलीफ नहीं होती। इस बात की सबसे अच्छी मिसाल आयरलैंड की रहने वाली एक महिला की दी जाती है। ये मामला पिछली सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क में सामने आया था। उस महिला का नाम था मैरी मेलन। वो जहां भी काम करती थी लोग टाइफाइड से बीमार हो जाते थे। मैरी ने एक के बाद एक कई घरों में काम किया और हर घर में उसने टाइफाइड फैला दिया। उसके कारण कम से कम 3 लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन खुद मैरी पर इस बीमारी का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। और आखिर में जब मैरी और बीमार होते लोगों के बीच के इस संबंध की पुष्टि की गई तो ये बात साफ हो गई कि मैरी अनजाने में अन्य लोगों को टाइफाइड का शिकार बना रही थी, जबकि खुद उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दौर में अखबारों ने मैरी का नाम टाइफाइड मैरी रख दिया था। मैरी ने इस बात को लेकर हमेशा नाराजगी जताई थी, लेकिन मैरी और बीमारी के संबंध का पता लगने के बाद अधिकारियों ने फिर कोई जोखिम नहीं लिया। मैरी को 1938 में उसकी मौत तक, यानी करीब 23 साल तक अकेले बंद करके रखा गया था। ब्रिटेन की नर्स एमेलिया पॉवेल उस वक्त हैरान रह गईं जब वो कोरोना पॉजिटिव निकली, जबकि एमेलिया में वायरस के संक्रमण का एक भी लक्षण नहीं था। एमेलिया कैम्ब्रिज के एडनब्रूक अस्पताल में नर्स हैं। अप्रैल महीने में एक डॉक्टर ने उन्हें फोन करके बताया था कि वो कोरोना के एक टेस्ट में वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। एमेलिया उस समय तक पूरी तरह से सामान्य थी और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती थी। अस्पताल में वो कोविड-19 के मरीजों का ख्याल रखा करती थी, लेकिन अचानक ही उनके सारे अनुमान धरे के धरे रह गए थे। खुद के कोरोना पॉजिटिव होने से एमेलिया बहुत हैरान थी। 23 बरस की एमेलिया बताती हैं कि डॉक्टर से फोन पर यह सुनना ठीक वैसा ही था जैसे आपको किसी अपने के गुजर जाने की खबर मिली हो। ये कल्पना से भी परे था। मैंने सोचा कि ये सही नहीं हो सकता, मुझे तो कोरोना वायरस संक्रमित कर ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जानकारी मिलने के बाद एमेलिया को अपना काम छोड़कर फौरन घर पर आइसोलेट होना पड़ा था। वो कहती हैं, मैं फिक्र में पड़ गई थी क्योंकि मैंने संक्रमित लोगों का हाल देखा था। मरीजों की हालत बड़ी तेजी से बिगड़ जाती थी, तो मैं ये सोचने लगी थी कि क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन एमेलिया ये जानकर हैरान थी कि उन्हें बिल्कुल भी बीमार होने जैसा नहीं महसूस हो रहा था। वो बताती हैं कि मेरे अंदर तो कोई भी लक्षण नहीं थे, मैं घर के भीतर वर्जिश कर रही थी, सामान्य तौर पर खाना खा रही थी, जैसे सोती हूँ उतनी ही नींद ले रही थी। इस समय इस बात का पता लगाना असंभव है कि दुनिया में कितने लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, मगर उनमें इसके लक्षण नहीं दिखते हैं। एमेलिया भी इस वायरस की शिकार हैं। ये ऐसे पता लगा कि अस्पताल के स्टाफ पर एक अध्ययन किया जा रहा था।
इस स्टडी के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। इसमें शामिल 1000 लोगों में से 3% कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जबकि इनमें उस समय तक संक्रमण के एक भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। इस साल की शुरुआत में जापान के तट पर रोके गए क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पर इससे भी अधिक ऐसे लोग पाए गए थे जो इस वायरस से संक्रमित थे, मगर उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। बाद में इस जहाज को संक्रमण की प्याली का नाम दिया गया था, क्योंकि डायमंड प्रिंसेस में 700 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं वॉशिंगटन के केयर होम में आधे से अधिक लोग वायरस के शिकार पाए गए थे, जबकि इनमें से किसी में बीमार होने के संकेत नहीं दिखे थे। अलग अलग अध्ययन बताते हैं कि बिना लक्षण वाले मामले 5-80% तक हो सकते हैं। ये निष्कर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्ल हेनेगन का था, जिन्होंने 21 रिसर्च का विश्लेषण करके ये नतीजा निकाला था। प्रोफेसर हेनेगन की टीम का कहना था कि बिना लक्षण वाले लोगों में वायरस के संक्रमण का एक भी अध्ययन ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। साथ ही उनका ये कहना था कि अगर केवल उन्हीं लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है जिनमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो बहुत से मामले जांच के दायरे से बाहर ही रह जाएंगे और इनकी संख्या शायद बहुत अधिक होगी। फिलहाल ब्रिटेन ही नहीं, भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का टेस्ट उन्हीं लोगों में किया जा रहा है जिनमें इसके लक्षण दिख रहे हैं। ब्रिटेन की नर्स एमेलिया की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उन्होंने अनजाने में न जाने कितने लोगों तक वायरस को फैला दिया होगा। ये लोग वो भी हो सकते हैं जो एमेलिया के साथ काम करते हैं, या फिर वो मरीज भी हो सकते हैं जो देखभाल के लिए उन पर निर्भर थे। हालांकि एमिलिया कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ये वायरस दूसरे लोगों में फैलाया, क्योंकि मेरे सारे सहकर्मी तो नेगेटिव निकले थे, लेकिन मेरे लिए ये बात फिर भी बहुत फिक्र वाली थी कि मैं कितने समय से कोरोना से संक्रमित थी। हमें अब भी ये नहीं पता कि जिन लोगों में लक्षण नहीं होते क्या वो इसका संक्रमण फैलाते हैं या फिर नहीं। ये बहुत अजीब बात है और इस समय इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। चीन में हुए एक अध्ययन में पता चला था कि इसके लक्षण वाले संक्रमित लोगों के मुकाबले कोरोना वायरस से संक्रमित ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा थी जिनमें इसके लक्षण बिल्कुल ही नहीं थे। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिकों ने लिखा कि साइलेंट स्प्रेडर के तौर पर बिना लक्षण वाले इन कोरोना वायरस के वाहकों पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है, तभी हम इस महामारी की रोकथाम कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की जिस टीम ने डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप के मुसाफिरों पर स्टडी की थी, उन्हें जांच में पता चला था कि बिना लक्षणों वाले लोग अन्य लोगों को संक्रमित कर पाने में कम सक्षम हैं, खासतौर से उन लोगों की तुलना में जिनमें इसके लक्षण साफ दिखते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि बिना लक्षण वाले लोगों ने कोरोना वायरस को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट स्प्रेडर की पहेली सुलझाने में इस वक्त इंग्लैंड के नॉर्विच शहर के वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं। वो अब पूरे शहर के लोगों का कोरोना टेस्ट करने पर जोर दे रहे हैं। अर्लहम इंस्टीट्यूट नाम के एक रिसर्च सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर नील हॉल कहते हैं कि बिना लक्षण वाले केस इस महामारी के डार्क मैटर हैं। डार्क मैटर वो अदृश्य तत्व हैं जिसके बारे में माना जाता है कि सारा ब्रह्मांड उसी से बना है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। प्रोफेसर हॉल की चिंता ये है कि ये बिना लक्षणों वाले लोग ही कोविड-19 की महामारी फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार के तमाम कदमों के बावजूद इन्हीं के कारण महामारी की रोकथाम के उपाय नाकाम हो रहे हैं। प्रोफेसर हॉल कहते हैं कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि वो बीमार हैं, तो वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, अस्पताल और क्लिनिक जाएंगे, और ऐसे में तो संक्रमण और बढ़ेगा ही। उनका कहना है कि अगर लोग वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास आते हैं और इस महामारी की रोकथाम ऐसे लोगों के इलाज तक ही सीमित है, तो यकीन जानिए
ये इस समस्या का आधा अधूरा समाधान है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि अगर ये पता ही नहीं है कि कौन बिना लक्षणों के है और कोरोना वायरस लेकर घूम रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा छल है। ये महामारी से लड़ने की बहुत बड़ी चुनौती भी है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार इस महामारी को रोकने का एक ही तरीका है, ये पता लगाया जाए कि इस वायरस से कौन कौन संक्रमित हैं, भले ही उनमें लक्षण हों या ना हों। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का टेस्ट करना होगा। ब्रिटेन के सांसदों की कॉमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी ने भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को खत लिखकर यही सिफारिश की थी। इन सांसदों ने लिखा था कि इस महामारी के प्रबंधन में बिना लक्षण वाले लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ब्रिटिश सांसदों की इस कमेटी ने यह सिफारिश भी की थी कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की देखभाल कर रहे लोगों का तो नियमित रूप से कोरोना टेस्ट होते रहना चाहिए। चीन के वुहान शहर में भी इस नुस्खे को व्यापक तौर पर आजमाया जा रहा है। यहीं से इस महामारी की शुरुआत हुई थी। वुहान में केवल 9 दिनों में 65 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था ताकि इस महामारी का पता लगाया जा सके। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिनमें इसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अब जैसे जैसे भारत समेत अन्य देशों में लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं, तो लोग सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो, बस और रेल सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वो खरीदारी के लिए बाजार और मॉल में जाएंगे। ऐसे में इस अनदेखे खतरे पर पकड़ बनाना और जरूरी हो गया है। इस समय इस बात का पता लगा पाने का कोई जरिया नहीं है कि भीड़ में कौन सा इंसान ऐसा है जो कोरोना वायरस से ग्रसित है। खासतौर से बिना टेस्ट के तो ये पता लगा पाना असंभव ही है। इसलिए दुनिया भर के देशों की सरकारें कह रही हैं कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में पूरा सहयोग करें, और अगर खुद उस व्यक्ति के संपर्क में आए हों तो सेल्फ आइसोलेशन में जाएं। महामारी की रोकथाम में लगे लोग ये सलाह भी दे रहे हैं कि आज भी कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार सोशल डिस्टेंसिंग ही है। जहां पर भी आप लोगों से दूरी बना सकते हैं तो दूर ही रहें, लेकिन जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ना हो वहां पर अपने चेहरे को ढक कर रखें, भले ही आप घर में बने मास्क का ही इस्तेमाल क्यों ना करें। जब अमेरिकी सरकार ने इस नीति का ऐलान किया था तो उसने सिंगापुर के चर्च में जनवरी महीने में किए गए रिसर्च का ही हवाला दिया था। अमेरिकी सरकार का तर्क ये है कि बात सिर्फ खुद को महफूज करने की नहीं है, ये अपने आप से अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखने की है, क्योंकि हो सकता है कि आप वायरस से संक्रमित हों पर आपको इसकी खबर ही ना हो। ऐसा नहीं है कि बस चेहरा ढक लेने से महामारी अपने आप रुक जाएगी, लेकिन चूंकि अब तक हम बिना लक्षणों वाले लोगों के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, तो किसी भी नुस्खे को आजमाने में कोई हर्ज नहीं। अगर उससे संक्रमण रुकता है तो अच्छी बात है। जब आप कोरोना वायरस के गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि हफ्तों से लगातार काम करते रहने के कारण ये डॉक्टर पूरी तरह निढाल नजर आते हैं। इनमें से ज्यादातर डॉक्टरों का पहला जुमला यही होता है, हमने ऐसे हालात इससे पहले कभी नहीं देखे। डॉक्टरों को पता था कि एक नई बीमारी का प्रकोप फैलने वाला है। उन्हें ये भी अंदाजा था कि सांस की इस अनजानी बीमारी के मरीजों की बाढ़ आने से अस्पताल के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। ये बीमारी पहली दफा पिछले साल के अंत में चीन में सामने आई थी। ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी की क्लिनिकल डायरेक्टर बारबरा माइल्स कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हम कई दिनों से D-Day के हमले की तैयारी कर रहे थे। हमारे पास तैयारी के लिए 3 हफ्ते थे और हमें इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी कि हमारा सामना किस चुनौती से होने जा रहा है। D-Day लैंडिंग्स दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी की सेनाओं पर आखिरी बड़ा हमला था, जब फ्रांस में मित्र देशों की सेनाएं उतरी थीं।